अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप कि आपकी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। ये एक दिन पहले का व्लॉग है जी। रात को हम लोग निकले थे कोई 8 बजे गांव के लिए, क्योंकि हम लोग ईद जो है वो गांव ही करते हैं और वहाँ पर ही मज़ा आता है, नानों के घर और दादा वर के घर। तो हम लोग तकरीबन पहुँच गए थे कोई 11 या 11:30। तो सबसे पहले आते ही जी पहले अलर्ट रही थी मेहंदी और हम लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। और यहाँ पे बच्चे जो है वो अपनी गेम्स और वो खेलने लगे थे और सभी कज़न्स वगैरह इकट्ठे होते हैं तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं बहुत। तो चांद रात तकरीबन ही हमारी इसी तरह गुजर जाती है और इस टाइम भी रात जो तकरीबन कोई हो रहा था सब आइट, और अभी तक हम लोग जो है बातों में और बस तैयारियों में बिज़ी थे। और ये सुबह सुबह का टाइम है, ईद के दिन हम लोग जल्दी उठ गए थे। और सबसे पहले जो है मैं आपको बाहर का व्यू चेक करवाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह परिंदों की आवाज़ें बहुत ही अच्छी लग रही होती हैं। और यहाँ पे हो रही हैं जी ईद की तैयारियाँ। सुबह सुबह बन रही है खीर, वैसे तो सेवइयाँ बन चुकी थी। ये साथ ही अब यहाँ पे खीर भी बन रही है। और मीठा वाला खाने के बाद मैं आ गई थी अपने चचा के घर, क्योंकि आज की दावत जो है वो यहाँ पर थी। और वैसे भी जो है ईद के दिनों में हर जगह पे मतलब दावतें और खाने वगैरह चलते ही रहते हैं, तो वो मैं तो ऐसा अच्छा रिकॉर्ड कर नहीं सकती। लेकिन पहले मैं चचा के घर आते ही फ्रेश अंगूर वगैरह इनके ऊपर लटे हुए थे, तो मैं सबसे पहले वो तोड़ने के लिए चली थी। तो अपनी वो ताज़ा फल तोड़ के खाने का ना उसका टेस्ट ही और होता है और मज़ा भी बहुत आता है। खाना बनने में अभी यहाँ पे बहुत देर थी, क्योंकि अभी यहाँ पे गोश्त आया था और इसकी कटिंग वगैरह हो रही थी। तो जब तक खाना तैयार होता है तब तक जो है हम बाहर घूम फिर लेते हैं। मैंने घुमाया यस, मैं भी वहाँ पे चिकन बना ये छोटा गोश्त है। तो घूम फिर के मुझे शदीद किस्म की भूख लगी, तो मैं किचन में आई तो मुझे हलवा मिला थोड़ा सा, और बच्चों के लिए बने आए थे बिरयानी। जब बच्चे मटन और बीफ नहीं खाते तो मैं कहा जब तक मैं ये ही खा लेती हूँ जब तक खाना तैयार होता है। फिर इसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर। ये है मेरा अबाई घर और माशाल्लाह गार्डन बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और ये बड़ा अच्छा। यहाँ पर शाम से ही टाइम बैठे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा होता है। ये तो ओपन भी एरिया है और ऊपर डेकोरेट बहुत अच्छा किया हुआ, चाची ने मेनटेन किया हुआ सारा। और घर तो मैं आपको अभी अंदर से खोल के नहीं दिखा सकती क्योंकि गेस्ट वगैरह थे, तो इसलिए। तो फिर चाची वगैरह के घर खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे। मैं मामू के घर जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे भी खाना था, तो अब जो वहाँ पर आए हैं तो आजकल जी ये बैल बड़े वो खुले हुए हैं, तो हम लोग इससे जो है डर रहे थे, क्योंकि ये जो है जैसे हम लोग आगे आते थे तो ये भी आगे आ जाता था, और जैसे हम पीछे जाते थे तो ये भी पीछे टर्न कर जाता था। ये ना वो भी पीछे पीछे भाग गया। खाना वगैरह खाने के बाद अब हम हो गए थे यहाँ पे फ्री, और आई होप कि आपने भी आज का दिन बहुत इंजॉय किया होगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।